नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, पांचों उंगलियां घी में होंगी। 17 सितंबर शुक्रवार के दिन तुला राशि वालों, आप लोगों के दो सपने पूरे होंगे। यह सपना आप लोगों की ज़िंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देगा, आपकी ज़िंदगी में कई सारे पॉजिटिव परिवर्तन भी करेगा और आप लोगों को दुखों का, तकलीफों का और परेशानी का अंत हो जाएगा। तुला राशि के लोगों के जीवन में दरअसल इस समय कई प्रकार के ऐसे भी परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है जो आपको आपके जीवन की मुश्किलों से छुटकारा दिलवाने के साथ साथ कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी करवाने वाला है, आपके ज़िंदगी के सारे सपनों को पूर्ण करने वाला है और आप लोगों के कष्टों से भी छुटकारा दिलवाएगा। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी मिलेंगी और आप लोगों को प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। दैनिक दिनचर्या में भी आपका परिवर्तन होगा। कार्यक्षेत्र को लेकर भी आप लोगों के सारे सपने भी पूरे होंगे तथा नई जिम्मेदारी की प्राप्ति होंगे। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को इस समय व्यापारिक व्यवसाय की यात्राओं पर जाने का मौका मिलेंगे। आज के दिन किए गए सारे कार्य पूरे होंगे। काम धंधों से संबंधित कोई कार्य में व्यापारिक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। यात्राओं से भी आप लोगों को फायदे की प्राप्ति होंगे और किसी व्यापारिक व्यवसाय ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं जिसके सिलसिले में आपको आना जाना पड़ सकता है। नौकरी पेशे वाले वर्ग को भी ऑफिस के क्षेत्रों में कहीं जाने का आसार बन सकते हैं और इस समय आप लोगों के घर परिवार में किसी बड़े खुशखबरी की प्राप्ति होंगे और कई प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होने वाली है। आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होंगे। किसी के अनजाने व्यक्ति पर भी आप ज्यादा विश्वास न करें। आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं को बनाने का प्रयास करने होंगे। मित्रों, आज के दिन आप लोगों के दुश्मन जो आप लोगों के व्यापार व्यवसाय से हैं, जो आप लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप से आपको परेशान करने के कोशिश किया करते हैं, आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को डालने की कोशिश करते हैं, उन सारे के सारे लोगों को भी सजा की प्राप्ति होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के घर परिवार का वातावरण काफी खुशनुमा रहेंगे जिसके कारण भी आपका मन काफी प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में, घर परिवार में, व्यापार व्यवसाय के सिलसिलों में भी आप लोगों को किसी यात्राओं पर जाने का मौका मिलेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों को भी रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपने किसी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी शिक्षा को ग्रहण कर रखा है, उन शिक्षा को भी उपयोग करने का मौका मिलने वाला है। आप लोगों को अपने घर परिवार के दोनों जगह विलासिता को पूर्ण उपयोग करने की जरूरत होंगे। आप लोगों को संध्या काल के समय ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका भी प्राप्त होने वाला है। बड़ी मात्राओं में भी धन लाभ की प्राप्ति होंगे। आर्थिक स्थितियां भी अच्छी होंगे। संतान की आवश्यक वस्तुओं की भी खरीदारी कर सकते हैं। आप लोगों के जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको हर कार्य में मिलेंगे। आप लोगों का कुछ कार्य भी शुभ कार्य पर खर्चा हो सकता है। आप लोगों का स्वास्थ्य भी काफी अच्छे होंगे। आपको अपने अनियमित खान पान पर बचे रहने होंगे। यदि कोई भी कष्ट है तो आप लोगों को डॉक्टरों से जरूर सलाह से लेने होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको किसी के बहकावे में आने से बचने का अवश्य प्रयास करने होंगे, नहीं तो वही आप लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। संध्या काल का समय आपको किसी सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिलेंगे जिनसे कि आप लोगों के कुछ लोग मुलाकात तो होंगे। पड़ोसियों के साथ बात विवाद हो सकता है, उनसे पड़ोसियों से बचने की अवश्य कोशिश करें, नहीं तो कानूनी बचड़ों में आप फंस सकते हैं। मित्रों, आपको अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को बनाने का मौका मिलेंगे जिसका कि आपको लाभ भी अवश्य मिलेंगे। ससुराल पक्ष की ओर से आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद अवसरों की प्राप्ति होंगे। घर परिवार के माहौल काफी अच्छे होंगे। घर की खरीदारी को कर सकते हैं। जमीन जायदाद में बढ़ोतरी पा सकोगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को अपने माता पिता से सभी कार्यों में सहयोग की प्राप्ति होंगे। माता पिता से सहयोग लिया गया कार्य भी आप लोगों को बड़ी खुशखबरी देने वाला है। आप लोगों को पिताजी से कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति होंगे। आय में वृद्धि होंगे। विद्यार्थियों को भी
शिक्षा प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में काफी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आप लोगों के लिए समय काफी ज्यादा मध्यम रूप से फलदायी रहेंगे। आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी उत्तम व्यवहारों के चलते काम काजों में काफी वृद्धि भी देखी जा सकती है। अगर आप कपड़े व्यापारी हैं तो मित्रों कपड़े व्यापारियों को भी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति देखी जा सकती है। आप लोगों के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर कार्य को पूर्ण करने का विश्वास करने होंगे। परिवार के दोस्तों की सलाह भी आप लोगों के लिए आवश्यक साबित होंगे। आप अपने समय के साथ परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। सुबह सुबह आप लोगों को कोई ऐसी खुशखबरी भी प्राप्त होंगे जिनको सुनने के बाद आप काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। आपको बैंक और संस्थाओं से भी उधार के बारे में सोचने का प्रयास करने होंगे, वो भी आप लोगों को आसानी से प्राप्त होंगे। यदि आप कोई लोन लेने के इच्छुक हैं तो आपको लोन भी आसानी से प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को भी किसी न किसी प्रतियोगिता प्रतियोगिताओं में भी आवेदन करने पर सफलता की प्राप्ति होंगे। आप लोगों का निजी संबंध भी बहुत ही शानदार गुजरेंगे। प्रेम संबंधों में काफी सहयोग मिलेंगे। आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं जिनसे कि आप लोगों को अहम जानकारी की प्राप्ति होंगे। यदि आप कोई भी साझेदारी में व्यापार को चलाने का मन बना रहे हैं उसके लिए भी आप लोगों का काफी समय बहुत ही शानदार रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी बड़ों का सहयोग मिलेंगे। आप लोगों के कोई भी इज्जत भी प्राप्त होंगे। आप लोगों के रेपुटेशन में बढ़ोतरी होंगे। इज्जत पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी अवश्य होने वाली है। घर परिवार के पूरे सहयोगों को प्राप्त होंगे। आप लोगों को नौकरी कर रहे जातकों को भी पदोन्नति की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होंगे। आपके लिए यह समय उन्नति से भरा रहेंगे। आपके व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योजनाएं भी आ सकती हैं। आप लोगों को सारी योजनाओं से धन लाभ की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को धन के क्षेत्र में काफी बड़ी खुशखबरी को पाने का मौका मिलेंगे। पुराने कर्जों से भी आप लोगों को अवश्य छुटकारा मिल जाएंगे। आप लोगों को भाग्य का साथ मिलेंगे और मित्रों यह समय परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बिताने का सबसे खास रहेंगे। आप लोगों को किसी पारिवारिक मुद्दों को हल करने का मौका मिलेंगे। परिवार के बड़े बुजुर्गों से सदा भी आप लोगों को मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी भरपूर मात्रा में मिलेंगे। आप लोगों का समय मिले जुले परिणामों की प्राप्ति करवाने वाला है। आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उन सभी कार्य में सफलता मिलेंगे। इसलिए आपको उन्हीं कार्यों पर ज्यादा विचार करने होंगे जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपके लिए उपयोगी हैं। आप लोगों को नौकरी में क्षेत्र में अपने जीवन साथी के साथ या अपने साथियों के साथ चंगुल करने से बचने का प्रयास करने होंगे। आप लोगों को इस समय वाणी पर मधुरता बनाए रखने की जरूरत होंगे। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को बहुत ही समझता के साथ कार्य को करना होगा। माता जी के साथ कोई असमंजस स्थितियां बन सकती हैं, वो भी आप लोगों के समाप्त होंगे। आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में किसी बड़े डील को फाइनल करने का मौका मिलेंगे। आप लोगों को लाभ मिलेंगे तथा परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। ननिहाल पक्ष से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होंगे। यदि आप अपने व्यापार व्यवसाय में किसी नए व्यक्ति को शामिल करना चाहते हैं उसके लिए भी आपका समय काफी अच्छे होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी।